हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं सर, जीएमपी का प्रॉब्लम ऑपरेटर क्या कह रहा है। प्रॉब्लम ऑपरेटर कह रहा है फ्रैक्शन पेयर सिस्टम वन, मतलब ऐसी कौन सी फ्रैक्शन हैं जिनको पेयर्स में लाएं और हम उनका सम हमें क्या मिल जाए, वन मिल जाए। ठीक है, ये हमारे न्यूमरेटर्स हैं और ये डिनोमिनेटर हैं, इनसे कुछ फ्रैक्शन बन रही होगी। उन फ्रैक्शन से सम करके अगर वन बनता है तो ऐसे कितने पेयर्स हैं जो वन बना रहे हैं, लाइक इसमें वन बाई टू, ये वन अपॉइंट टू, टू अपॉइंट फोर, वन अपॉइंट टू प्लस टू अपॉइंट फोर हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। टू अपॉइंट सिक्स प्लस एट अपॉइंट ट्वेल्व हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये हमारे कितने पेयर बने, टोटल टू बने। इस तरीके से करना, तो चलो यार इसको देखते हैं, यहाँ पर आसानी से समझ आएगा डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करें। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर वन अपॉइंट टू है, पहली फ्रैक्शन क्या है वन अपॉइंट टू, दूसरी फ्रैक्शन क्या है टू अपॉइंट फोर, तीसरी फ्रैक्शन क्या है टू अपॉइंट सिक्स, चौथी फ्रैक्शन क्या है एट अपॉइंट ट्वेल्व। ठीक है, ये है। तो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूँ तो एक क्या बनेगा, अरे यार ज्यादा ही पतला, ठीक है ये क्या बन जाएगा वन अपॉइंट टू। सेकेंड क्या बनेगा, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ ये भी क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टू। ठीक है, और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ये क्या हो जाएगा वन अपॉइंट थ्री, और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा टू अपॉइंट थ्री। तो अब इसमें देखना है कि ऐसे कौन से पेयर हैं जो मुझे वन दे रहे हैं। वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू क्या हो जाएगा टू अपॉइंट टू, टू अपॉइंट टू मेरा क्या होता है वन होता है। ठीक है, टू अपॉइंट टू वन मेरा वन होता है, तो एक ही ये पेयर हो गया मेरा। ठीक है, वन अपॉइंट थ्री प्लस टू अपॉइंट थ्री मेरा क्या हो जाएगा वन होता है। ठीक है, अब इनको सम करूंगा तो थ्री अपॉइंट थ्री आ जाएगा ना, क्या हो गया वन हो गया, तो एक पेयर ही हो गया, तो एक एक आंसर क्या हुआ टू हुआ। ठीक है, यही है प्रोसीजर भी एकदम यही रहेगा, लेकिन मेन पार्ट क्या है कि यार इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। ठीक है, अगर हमारे सामने हो कॉपी पेन में हो तो हम तो आराम से कर देंगे। ठीक है, क्या करना है अपना देख लेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, उससे कर देंगे। क्या बोला, कॉमन फैक्टर क्या है, तो हमें क्या करना है बस यार इसमें कॉमन फैक्टर ही निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लाइक अगर मुझे पता चल जाए था कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो टू अपॉन फोर को डिवाइड करेगा, ये क्या है टू अपॉन फोर है, तो ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। टू का टू के अगर फैक्टर्स लू क्या हो जाएगा टू, फोर के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे टू इंटू टू। तो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या होता है एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ मेरा क्या आएगा टू आएगा, तो मेरे क्या हो जाएगा टू आ जाएगा। टू से मैं न्यूमिनेटर को भी काट सकता हूँ वन टाइम, टू से मैं डिनोमिनेटर को भी काट सकता हूँ टू टाइम। ठीक है, यही चीज टू बाई सिक्स के लिए कर लेंगे, टू बाई सिक्स के लिए भी एच सी एफ मेरा क्या आएगा टू आएगा, तो टू से इसको डिवाइड करते हैं वन टाइम, टू इसको डिवाइड करते हैं थ्री टाइम, तो वन बाई थ्री। अब एट एंड ट्वेल्व के लिए क्या आएगा, एट एंड ट्वेल्व में सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन कौन आएगा फोर, फोर से डिवाइड करेंगे टू, फोर से करेंगे थ्री, तो ये क्या बन जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई थ्री एंड टू बाई थ्री। ठीक है, इतना है, हाँ इतना ही है, और बस बाद में क्या करना है पेयरिंग चेक कर लेंगे, उसके लिए क्या करना है मैप यूज करना। अब मेन दिक्कत आती है कि हम भाई एच सी एफ कैसे निकालें। ठीक है, एच सी एफ को कैसे निकालें, ये यहाँ पर हम सबसे ज्यादा अभी ये था। देखो यार अगर देखो अगर सीखना है तो एक जो है हम फंक्शन बनाएंगे, और नहीं सीखना तो डायरेक्ट फंक्शन होता है अंडर स्कोर अंडर स्कोर जी सी डी। ठीक है, उसमें दो पैरामीटर्स जिन दो नंबर का, लाइक टू एंड फोर का हमें एच सी एफ चाहिए क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बनेंगे टू बाई फोर, तो पहले में टू को पास करा दो फोर को पास करा दो, इनका जी सी डी हमें रिटर्न हो जाएगा एक्स। मान लो अगर एक्स इक्वल टू ये करते हैं अंडर स्कोर अंडर स्कोर जी सी डी, तो हमारा एक्स में आ जाएगी टू की वैल्यू। ठीक है, तो फिर न्यूमिनेटर को भी टू से डिवाइड कर देना और डिनोमिनेटर को भी टू से डिवाइड कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन बन जाएगी बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब ये जी सी डी वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब ये जी सी डी वर्क कैसे करता है, देखो यहाँ पर अब सीखना भी है। एच सी एफ अगर मान लो डायरेक्ट निकलवा लिया तो कैसे निकालोगे टू कॉमा फोर। ठीक है, यहाँ पर क्या है टू कॉमा फोर, क्या मेरा ये मेरा ए मान लो और इसको मेरा क्या कर दो बी मान लो। ठीक है, यहाँ पर हम जी सी डी का फंक्शन देख रहे हैं कि एक होगा मेरा ए जिसमें पैरामीटर में पास कराऊंगा और एक होगा मेरा बी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर मेरा जो है बी अगर मेरा जीरो हो जाता है, अगर बी की वैल्यू मेरी जीरो हो जाती है तो मुझे क्या रिटर्न कर देना है ए रिटर्न कर देना। मान लो टू कॉमा जीरो में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन होगा टू होगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये मुझे कब तक कॉल करना है कि टू कॉमा फोर है तो अभी बी क्या मेरा ये जीरो हुआ है बी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं फिर से क्या करूंगा किस तरीके से कि ए की यहाँ क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, यहाँ पर मैं बी को डाल दूंगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए मॉड बी, ए मॉड बी मतलब यहाँ पर मैं फंक्शन लिख देता हूँ कि क्या है जी सी डी ए कॉमा बी। ठीक है, अगर मेरा जो है बी मेरा अगर जीरो हो गया, अगर मेरा बी जीरो हो गया तो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे ए। ठीक है, और नहीं तो क्या कर देंगे जी सी डी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी। अब देखो ये कैसे काम करेगा, बी कॉमा ए मॉड बी, बी ए की जगह क्या है बी और ए मॉड बी, ए मॉड बी का मतलब है टू मॉड फोर, टू मॉड फोर का मतलब मॉड क्या आ जाएगा टू। अब क्या मेरा बी जीरो है नहीं है तो क्या जाएगा बी यहाँ जाएगा और फोर मॉड टू, फोर मॉड टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, फोर मॉड टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब क्या मेरा बी जीरो हो गया, हाँ जैसे मेरा बी जीरो होता है मुझे रिटर्न क्या कर देना है टू, तो टू कॉमा फोर का मेरा जी सी डी, टू कॉमा फोर का जी सी डी टू आ रहा था मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू आ रहा था, हाँ यही आया, तो ये क्या कर रहा है जी सी डी कॉल कर रहा है टू कॉमा फोर पे, मेरा बी जीरो नहीं था तो फिर मैंने जी सी डी कॉल किया क्या बी कॉमा ए मॉड बी, ए मॉड बी बुलाया तो ये टू हो गया, अभी भी नहीं हुआ फिर से जी सी डी को कॉल करा। ठीक है, फिर से जी सी डी को कॉल करा तो क्या हो गया टू कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो जैसे आया कंडीशन चेक करेगा कि बी मेरा जीरो है रिटर्न ए कर दो, तो ए मेरा आंसर आ जाएगा और ये मेरा जी सी डी होगा। ठीक है, यहाँ पर जी सी डी का फंक्शन मेन था जो हमें डिस्कस करना था। अब इसको सॉल्व करने का और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर जो मेन देखो इसके सॉल्व करने के वैसे तो तीन तरीके हो सकते हैं, क्या हमें क्या करना है फ्रैक्शन का वो वन ही करना है ना, तो हम क्या करेंगे एक ऐसे वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, वन बाई टू हमारा क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव, ठीक है फिर वन बाई टू, टू बाई फोर क्या हो जाएगा हमारा जीरो पॉइंट फाइव,
और 1/3 का हो जाएगा 0.3, एंड 8/12 का 0.33, 8/12 का हो जाएगा 2.2 2/3 मतलब 0.6 समथिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पेयर ढूंढेगा, 0.5 प्लस 0.5 1 हो गया, 0.3 प्लस 0.6 ये 1 हो गया, तो ऐसे ढूंढेगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिगो ऑफ एन स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, लॉग एन में करना है, एन लॉग एन में करना है। ठीक है, अब ये जो जीसीडी फंक्शन मैंने बताया, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जीसीडी फंक्शन की होती है लॉग एन। ठीक है, क्या होती है, लॉग एन होती है, और हम हर किसी उसके लिए कर रहे होंगे, हर किसी फ्रैक्शन के लिए जीसीडी निकाल रहे होंगे, हर जब एन नंबर्स के लिए हम जीसीडी निकालेंगे तो एन इंटू लॉग एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड है, यही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ कर देता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये एक तरीके से इसको ऐसे मानो क्या है 1/2। ठीक है, अब 1/1 और 2 में जीसीडी क्या आएगा, 1 और 2 का जीसीडी 1 आएगा, तो न्यूमिनेटर को 1 से डिवाइड करा तो 1 बचा, डिनोमिनेटर को 1 से डिवाइड करा तो 2 बचा, और 2/4 है, 2 और 4 का जीसीडी क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 आएगा, तो न्यूमिनेटर को 2 से डिवाइड करो 1, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करो 2, तो ये क्या फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। ठीक है, अब बचा कौन, 2/6, 2/6 का जीसीडी 2 आएगा तो ये बन जाएगा 1/3। ठीक है, 8/12 का जीसीडी 4 क्या करते हैं, 4 से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर देखना है कि मेरी पेयरिंग कैसे बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे देखना है कि मेरी पेयरिंग कैसे बन सकती है, ये मुझे यहाँ पर आइडिया लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक मैप ले लूंगा। ठीक है, मैप में मुझे क्या फाइंड करना है, ये अच्छे से ध्यान रखना कि अगर मेरा 1/2 है तो मुझे इसे 1 बनाने के लिए एक्चुअल में क्या चाहिए, 1/2 चाहिए। ये कैसे पता लगा, कि डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस करो, डिनोमिनेटर सेम रखो। मान लो जैसे कि अगर अगर ऐसे 2/5 है, 2/5 को 1 बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, 3/5, 3/5। ये कैसे पता चला, 2/5 की 1 बनाने के लिए मुझे 3/5 चाहिए, ताकि ऊपर 5 हो जाए। ठीक है, क्या, ताकि ऊपर 5 हो जाए, नीचे 5 हो जाए, और 5/5 मेरा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मुझे इसको 1 बनाने के लिए, मुझे इसको क्या बनाना है, ऊपर ऐसा नंबर प्लस करना है, 2 में ऐसा नंबर प्लस करना है जो कि 5 बना दे। तो मुझे एक्चुअल में क्या ढूंढना है, 2/5 के लिए मुझे ढूंढना है, 2/5 के लिए 1, जो 2/5 को 1 बना दे, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है 5 - 2/5, जो कि एक्चुअल में है 3/5। ठीक है, ये समझ गए, 5 - 2 करना है, मतलब डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस करना है, जेड आ जाएगा, जेड क्या होगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर। ठीक है, और डिनोमिनेटर मेरा वही रहेगा, डिनोमिनेटर मेरा क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो मुझे क्या देखना है, 3/5। अब ये तो फॉर एग्जांपल था कि हमें सर्च कैसे करना है। ठीक है, अब देखो क्या 1/2 को 1 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1/2। क्या मेरे मैप में 1/2 है, मेरे मैप में 1.2 नहीं है, मतलब न्यूमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 2। ठीक है, 1/2 का मतलब ये, क्या मेरे मैप में 1/2 है, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैप में 1/2 डालूंगा, मतलब 1.2 डाल दूंगा। ठीक है, मैथ में मैंने क्या करा, 1.2 डाल दिया, और मैं क्या कर दिया, आगे बढ़ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर है, इसको भी निश्चित करके रखेंगे, फिर उसके भी पेयर नहीं मिला। अब क्या चेक करेगा, 1/2, फिर से 1/2, क्या 1/2 को बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए क्या मुझे चाहिए, 1/2 चाहिए। क्या 1/2 मेरा मैप में एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, कितने 1/2 है, अभी तो एक ही है, अभी तो एक ही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1/2 को क्या कर दूंगा, मैप में डाल दूंगा। ठीक है, अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अब मतलब अब मेरा काउंट इनका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब आया 1/3, 1/3 को 1 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2/3, क्या 2/3 मेरे मैप में है, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 2/3 को मैप में डाल दूंगा। ठीक है, आंसर मेरा भी क्या हुआ था, 1 पेयर मिला था, 1/2 1/2 का। ठीक है, 2/3 को मैप में डाल दिया, अब आया 2/3, 2/3 को 1 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1/3, क्या 1/3, सॉरी 1/3 नहीं था, तो 1/3 को डालेंगे। ठीक है, 1/3 का पेयर नहीं था, 1/3 को डाल दिया, अब आया 2/3, 2/3 किसको देखेगा, 1/3 को, क्या 1/3 मेरा मैप में है, हाँ 1/3 मेरा मैप में है, तो मैं अपने आंसर को क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको क्या कर दूंगा, मैप में डाल देता। ठीक है, इसको मैप में डाल देता हूँ, अब मेरा क्या हो गया, ट्रैवर्सिंग पूरी हो गई, जैसे मेरी ट्रैवर्सिंग पूरी हो गई तो आंसर मेरा कितना है, 2 आया। ठीक है, आंसर मेरा क्या आया, 2 आया। ठीक है, ये समझ आया, करना क्या है, इनके फ्रैक्शंस ले लेना है, जीसीडी देखना है, जीसीडी क्या आ जाएगा, 1/2 1/2 1/3 एंड 2/3 1/2 1/2 1/3 1/3। पहले मैप एम्प्टी होगा, ठीक है, इसका पेयर देखेंगे मैप में नहीं है तो इसको डाल देंगे। ठीक है, फिर इसका पेयर देखेंगे मैप में है, हाँ है, तो आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे और इसको भी मैप में डाल देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे 1/3 का पेयर है, 1/3 का पेयर मैप में नहीं है, 2/3 होना चाहिए था, नहीं है, तो 2/3 1/3 को क्या कर देंगे, मैप में डाल देंगे, और फिर देखेंगे 2/3 का पेयर क्या होना चाहिए था, 1/3, 1/3 का मैप में है, हाँ है, तो आंसर को इंक्रीमेंट करके 2 कर देंगे और 2/3 को उसमें डाल देंगे। अब क्या मेरा ट्रैवर्सिंग पूरी हो गई, हाँ हो गई, अब आंसर मेरा कितना है, 2, ये मुझे रिटर्न करना है, ये थी मेरी एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच, ठीक है, पहले ब्रूट फोर्स बता दिया कि क्या करो, सबको फ्रैक्शन स्टोर कर लो और उनका पेयर ढूंढ लो, दूसरा ये बता दिया। ठीक है, इसको अब हम कोड करेंगे, और तीसरा भी अगर मैं बता दूं, तीसरा भी तो और ज़्यादा हो जाए, क्या करना है कि डिनोमिनेटर ये क्या है, 1/2 2/4 2/6 8/12। ठीक है, अगर मैं इन सबका एलसीएम ले लूँ तो 2 4 6 12 का एलसीएम एक्चुअल में क्या आएगा, 2 4 6 12 का एलसीएम क्या आएगा, 2 4 6 12 का एलसीएम मेरा आ जाएगा 12 ही आएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा,
अब ठीक है, अब 2 4 6 इसका मेरा एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। अब मेरे ये वैल्यू एक्चुअली जैसे मैं सम करता हूँ, एलसीएम ले लिया, अब ये न्यूमरेटर मेरे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, पहले इसको देखूंगा 2 से कितने टाइम जा रहा है, 6 टाइम, तो ऊपर न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, एक वैल्यू होगी मेरी 6 बाई 12। ठीक है, सेकंड, अब 2 का डिनोमिनेटर क्या 4, एलसीएम क्या था 12, 4 से कितने 3, 3 टू 6, तो ये भी क्या हो गया 6 बाई 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 2 टू 4, 4 बाई 12। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4 बाई 12 बता देते हैं। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 12 है तो ये रहेगा 8 बाई 12। अब क्या है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ न्यूमीटर में देखना है, क्यों, डिनोमीटर तो मैंने सबका सेम बना दिया, क्या हो गया, डिनोमीटर सबका 12 हो गया, अब बचे क्या 6 6 4 एंड 8। अब मुझे बस क्या देखना है कि ऐसे नंबर का सम, जो ऐसे पेयर जो मुझे एलसीएम दे रहा है, एलसीएम मतलब 6 प्लस 6 क्या होता है 12, तो ये एक पेयर था, 4 प्लस 8 क्या होगा 12, ये एक पेयर था, तो ये भी एक अप्रोच है जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपनी पिछली अप्रोच पर आते हैं जो कि हम कोड करने वाले हैं यहाँ पर। अब सिंपल क्या है, अब देखो जीसीडी या तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ या मैं डायरेक्ट अपना कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं तो हम सीखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं। इंट इंट जीसीडी नाम का मेरा एक फंक्शन होगा जिसमें दो पैरामीटर होंगे, इंट ए और इंट बी। ठीक है, अब क्या वो चेक करेगा, इफ अगर मेरा बी मेरा इक्वल इक्वल जीरो है, यानी क्या बोला, अगर मेरा बी इक्वल इक्वल जीरो आ गया तो रिटर्न कर दो क्या जीरो, सॉरी रिटर्न कर देंगे ए, जैसे मेरा बी जीरो आ रहा था रिटर्न कर देंगे ए, नहीं तो वापस से जीसीडी कॉल कर रहे थे किसके साथ, बी कॉमा ए मॉड बी के साथ, बी कॉमा ए मॉड बी के साथ हम वापस जीसीडी कॉल कर रहे थे। ठीक है, अब इसको मैं रिटर्न, यही चीज मेरी क्या होगी रिटर्न होगी। ठीक है, ये मेरा रिटर्न कर देगा जो भी मेरा मतलब ए को रिटर्न कर देगा जब भी मेरा एक वैल्यू जीरो हो जाएगी है। ये था मेरा जीसीडी का फंक्शन। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं अंडरस्कोर करके। ठीक है, अब क्या होगा, मैं कर रहा था मैप में स्टोर कर रहा था, कैसे, पेयर्स की फॉर्म में, न्यूमरेटर कॉमा डिनोमीटर के फॉर्म में सेव करना था, पेयर्स इंट कॉमा इंट का और जो एक फिक्स, ये होगा मेरा मैप। ठीक है, मैप में मुझे स्टोर करनी है वैल्यू। अब एक होगा मेरा इंट आंसर जो कि मैं अपना कैलकुलेट करता हूँ चलूंगा। अब करना क्या है, और हर एक उसके लिए मुझे जीसीडी निकालना है न्यूमेटर डिनोमेटर का, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, जैसा मैंने बोला न्यूमेटर और डिनोमेटर का मुझे क्या करना है, हमेशा जीसीडी निकालना, तो इंट डी इज इक्वल्स टू डी मतलब कि किससे डिवाइड करना है मुझे न्यूमेटर और डिनोमेटर को दोनों को, तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ न्यूमेटर ऑफ आई, न्यूमरेटर ऑफ आई कॉमा डिनोमिनेटर ऑफ आई। इसमें क्या है, ए और बी मेरा क्या है, न्यूमेटर और डिनोमेटर मतलब 1 और 2 को मैंने पास कराया, इन दोनों का जीसीडी क्या जाएगा 1। ठीक है, फिर 1 को मैंने न्यूमेटर से, न्यूमेटर को 1 से डिवाइड करना है और डिनोमेटर को भी 1 से डिवाइड करना है। अब क्या करना है, न्यूमेटर ऑफ आई डिवाइडेड बाय बी, सेम क्या करना है डिनोमेटर के साथ करना है, सेम चीज डिनोमिनेटर के साथ करनी है, डिनोमिनेटर को भी, ये क्या है, हम सिंपलेस्ट फॉर्म बना रहे हैं अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म बना रहे हैं अपने उसके। ठीक है, फ्रैक्शन, ताकि लास्ट में बस क्या है, हमें पेयर ढूंढना है। ठीक है, इन दोनों को कर दिया, हमने क्या करते, डिवाइड करते। अब जो भी आया हुआ इंट एक्स इज इक्वल टू न्यूमिनेटर ऑफ आई ठीक है, इंट वाई इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ आई। ये क्यों कर रहा हूँ, ये फाइंड करने के लिए कर रहा हूँ कि एक्स अपॉन वाई तो मेरा ये है मतलब 1/2 हो गया। ठीक है, न्यूमिनेटर ये 1 और ये क्या हो गया डिनोमिनेटर 2, 1/2 फाइंड क्या कर, क्या बन जाए 1/2 ही चाहिए, तो int z की वैल्यू क्या हो जाएगी, int अगर मैं z equals to ले लूँ तो क्या हो जाएगा y minus x, z क्या हो जाएगा y minus x, क्योंकि अगर मुझे मान लो 2/5 है तो मुझे क्या चाहिए 3/5, तो मैं अगर 3/3 कैसा आएगा 5-2 करके, तो 5-2 करा और ये मेरा z में वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि अगर मेरा मैप में है इस mp.count अगर मेरा मैप में क्या है z, y, ठीक है, x, y मेरा है जो मेरे पास है, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए z/y चाहिए, x/y के लिए मुझे z/y चाहिए ताकि मेरा 1 बन जाए। अगर मेरा mp.count z/y है तो मुझे क्या कर दो, आंसर में प्लस कर दो उसको। ठीक है, आंसर में क्या कर दो, उसको प्लस कर दो mp.z/y, कि उसके साथ जितने पेयर्स मेरे बन सकते हैं उसको आंसर में प्लस करके दे दो, क्योंकि एक के साथ दो पेयर्स भी बन सकते हैं ना, लाइक 1/2 1/2 1/2 तीन है, तो ऐसे चलिए फाइंड अप करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो यू नो इट, और चलिए फाइंड अप करते हैं।